किताब तरकीब एपिसोड फोर उनवान जिंदगी हीरो बनकर कर गुजारें आपके हालात बहुत बुरे तालीम अधूरी लोग मुखालफत कर रहे हैं फैमिली साथ नहीं दे रही गुरबत से तंग आ गए हैं उम्मीद का चिराग बुझता जा रहा है कोई सुनने वाला नहीं और कोई बताने वाला नहीं तो समझ जाएं कि ये वही वक्त है जिसमें आप कोई ख्वाब देख सकते हैं दुनिया में आज तक किसी भी बड़े इंसान ने साजगार हालात में बड़ा ख्वाब नहीं देखा बड़े ख्वाब महरूमी के दौर में देखे गए मुश्किल की इंतहा आपकी तकलीफ़ को इतना बढ़ा देती है कि आप तंग आकर एक बड़ा फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं और यही लम्हा आपकी तकदीर को बदल कर रख देता है आज आप तैयार हो जाएं फ़ैसला करने के लिए अपने मुस्तबिल को बदलने के लिए आप फैसला करें कि आपको हीरो बन के ज़िंदगी गुजारनी है हीरो बनने के राज जो दुनिया के 2000 साल के अंदर लिखी जाने वाली बायोग्राफी सुन हयात और आटो ख़ुद ख़ुदनोश की रिसर्च के बाद सामने आए वो ये हैं दुनिया के हर शोबे में आने वाले हीरो को कई मराहिल से गुजरना पड़ा मज़े की बात यह है कि ये मराहिल सबके लिए मिलते जुलते थे और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप कौन हैं क्या हैं और किन हालात में हैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करके फकत उन हकाइक को सामने रख लीजिए आपके अंदर हीरो बनने की उमंग पैदा हो जाएगी और यही उमंग आपके के को तब्दील करके रख देगी नंबर एक बाहर के हालात आपके मुस्तबिल इतना मुतासर नहीं करते जितना आपके अंदर के हालात यानी आपके ख़्यालत यकीन उम्मीदें और जज्बे आपके मुस्तबिल पर असरंदाज हो रहे होते हैं दुनिया के तमाम हीरो इस बात को बहुत जल्द समझ जाते हैं कि हम बाहर के हालात को तब्दील नहीं कर सकते लेकिन हमारे इख्तियार में हमारी ज़ात एतमाद और हमारी सोचें ज़रूर होती हैं इसलिए वो अपने अंदर की कायनात को बेहतर करते हैं वो सितारों का हिसाब लगाने की बजाय अपना एहसाब शुरू करते हैं वो दुनिया को फतह करने का आगाज़ ख़ुद को फतह करने से करते हैं यही वजह है आप दुनिया के तमाम बड़े इंसानों को देख लें तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये आम इंसान नहीं हैं नंबर दो दुनिया के तमाम हीरोज़ ने अपनी अजमत को दरियाफ़्त करने के लिए अपने ख्वाबों को दरियाफ्त किया ज़्यादातर लोगों को यह ख़बर ही नहीं होती कि हमने करना क्या है इसलिए वो ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं जिनसे अजमत नहीं मिलती आपको ऐसा काम ज़रूर दरियाफ्त करें आप एक ऐसा काम ज़रूर दरिया करें जिससे आपको मोहब्बत हो आपका काम आपका जुनून बन जाए आपको अपने काम से इश्क हो जाए तो समझ जाएं कि आपने अजमत का रास पा लिया वो लोग जो काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपना काम पसंद नहीं है वो एक आम से ज़िंदगी तो गुजार सकते हैं लेकिन एक शानदार और मिसाली ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते शानदार और मिसाली ज़िंदगी के लिए आपको इन ख्वाबों को तलाश करना होगा जिनके लिए आपको दुनिया में भेजा गया याद रखिए आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी डिस्कवरी आपकी अपनी ज़ात की डिस्कवरी है नंबर तीन जिस तरह कुदरत सबको 24 घंटे बराबर देती है सूरज सब पर एक जैसा चमकता है रात सबके लिए आती है ऑक्सीजन पर सबका बराबर हक है उसी तरह कुदरत सबको कुछ करके दिखाने के मौा भी यकसा देती है जिस तरह हम हर रोज़ मिलने वाली नेमतों से बेखबर होते हैं उसी तरह इन मौाक़ों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं जो रोज़ कुदरत हमारी झोली में डाल रही होती है तमाम बड़े लोगों की ज़िंदगी के मुताले से ये बात पता चलती है कि कुदरत बचपन से ही आपको इशारे दे रही होती है कुदरत कभी किसी के मुंह से कोई बात निकलवा कर कभी किसी हादसे के ज़रिए और कभी कभी आपके दिल में ख्याल डालकर आपको याद करवाती है कि आपके कुछ ख्वाब हैं जो अधूरे पड़े हैं आपकी असाइमेंट आपको इशारों से याद करवाई जाती है हमें ज़िंदगी गुजारते हुए कभी रिब महसूस नहीं होता लेकिन अगर कभी रुककर माजी याद करें तो कुदरत के इशारे महसूस भी होने लगते हैं और इन तमाम वाकयात में एक तरतीब भी नज़र आने लगती है तमाम हिरोज़ को इल्म होता है कि हर बंदा ही बड़ा अहम है ये हसन और हसन ख़याल सब के दम से है सब नहीं तो हम भी नहीं कुदरत के इशारे आपकी ज़िंदगी को माना देते हैं कभी मत भूलिए कि बग़ैर माना और बगैर मकसद के ज़िंदगी फ़क्त मौत है नंबर चार कभी गौर किया कि आप और आपकी मेहनत आपको किस तरफ लेकर ले जा रही है आप किस चीज़ के लिए जुनूनी बने हुए हैं कभी आपको ख्याल आया हो कि कहीं मैं बहुत बड़ी कीमत अदा करके बहुत सस्ती चीज़ हासिल कर रहा हूँ आपने कभी तो सोचा होगा कि मेरा मकसद हयात क्या है मैं अपनी तलाश को क्या नाम दूँ मैं आज कहाँ खड़ा हूँ और मैंने जाना कहाँ है मैं कौन हूँ मेरी शनाख्त क्या है सदियों बाद में आया हूँ और दोबारा आने का मौका भी नहीं मिलना आखिर मुझे क्यों भेजा गया मैं हिसाब किताब जानता हूँ लेकिन क्यों भूल जाता हूँ कि मेरा भी हिसाब होना है मैं इस ज़िंदगी से क्या हासिल करना चाहता हूँ मैं दुनिया को क्या देकर जाना चाहता हूँ अगर ये सवाल आपके दिल में पैदा होते हैं तो मुबारक हो क्योंकि यही सवाल हर हीरो के दिल में भी उठते हैं अब सवाल उठ उठने के बाद अगला मरहला आता है आप सवाल के जवाब के बारे में कितने मुखलिस हैं क्योंकि सच्चा सवाल सच्चे जवाब को तलाश कर रहा होता है नंबर पाँच औसत उम्र साठ साल है यानी कुदरत दिन हमें इनायत करती है हीरो को इल्म होता है कि ये दिन रोज़ बरोज कम होते जा रहे हैं इसलिए वो अपने ज्यादा वक्त और सलाहियतों को अपने ख्वाबों के लिए इस्तेमाल करता है हीरो को ख़बर होती है कि जिसका होती है कि जिसका अपना कोई ख्वाब नहीं होता वो किसी के ख्वाब और प्लान में फिट आ जाता है इसलिए उसे अपने ख्वाब से इश्क होता है दुनिया के तमाम बड़े इंसानों की जिंदगी इस बात की गवाह है कि अगर कुछ करके दिखाना हो तो एक जिंदगी ही काफ़ी है और अगर कुछ ना करना हो तो सौ जिंदगियां मिलने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला तारीख़ के तमाम बड़े हीरोज़ ने अपने वक्त की बहुत कदर की है जब दुनिया फेसबुक पर रात तीन बजे तक चैटिंग कर रही होती है वक्त का हीरो उस वक्त किताब हाथ में लिए अपने अजाइम की तकमील में मसरूफ होता है कभी मत भूलिए कि फ़िल्म का हीरो सिर्फ तीन घंटे के लिए हीरो होता है असल हीरो अपनी ज़िंदगी और जिंदगी के बाद भी हीरो रहता है आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर ख़ुद से मिलिए और ख़ुद से ज़रा ख़ुद ही पूछिए कि ज़िंदगी हीरो बन के गुजारनी है या हीरो या फिर हीरो बन के ज़िंदगी से पूछिए कि ज़िंदगी ज़ीरो बन के गुजारनी है या हीरो बन के और इस तरह आज हमारा एपिसोड नंबर फोर अख्ताम को पहुंचा उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करके इस तालीम को मुफीद बढ़ाइए बहुत शुक्रिया नया एपिसोड में फिर मिलते हैं जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़